क्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ के आह्वान पर 21, 22 और 23 फरवरी को 3 दिवसीय धरना आंदोलन की चेतावनी दी थी। उसी के चलते ग्यारसपुर में 23 फरवरी को ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार की आंखें खोलने का काम करने का प्रयास किया है, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि आंगनबाड़ियों में साझा चूल्हे के अंतर्गत भोजन पकाकर परोसने वाली रसोइयों का मानदेय मात्र 500 रुपए दिया जा रहा है। वही स्कूलों में खाना पकाने वाली माता बहनों को मात्र 2000 रुपए महीने की पगार पर काम करना पड़ रहा है। साथ ही प्राइमरी की छात्र छात्राओं को 5 रुपए में कुछ पैसे में भरपेट भोजन देना पड़ रहा है। ऐसे हालात में संज्ञा मांग उठाता है कि प्रत्येक रसोईया को कलेक्ट्रेट के मान से 6000 रुपए प्रति माह दिया जाए एवं प्राइमरी के छात्रों को 10 रुपए और माध्यमिक शाला के छात्रों को 15 रुपए की राशि दी जाए, जिससे बच्चों को सही मात्रा में भोजन दिया जा सके। ऐसे न होने की स्थिति में प्रांतीय प्रवक्ता श्रीमती नीता देवी महाराज सिंह सूर्यवंशी ने बताया, प्रदेश में कुपोषण फैलने की संभावना बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार कुपोषण भगाओ का नारा लगाती है, वहीं छात्रों के साथ संचालित होते नजर आ रहे ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम ग्यारसपुर SDM को सौंपा गया। बड़ी तादाद में समूह संचालक एवं रसोईया सम्मिलित हुए। ग्यारसपुर से महाराज सिंह सूर्यवंशी की रिपोर्ट।